नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथा मुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले पाठ में हम लोगों ने सवर सेनापति का जो वर्णन है उसको पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने चौथा भाग पढ़ा था। अभी हम लोग इसका पांचवा भाग पढ़ेंगे, ठीक है। सवर सेनापति किस प्रकार का है उसका यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। सवर सेनापति वर्णन पांचवा भाग, ठीक है। तो बता रहे हैं कि सवर सेनापति किस प्रकार का है जिसको तोते ने, वैशंपायन नाम के तोते ने देखा है। तो कह रहे हैं कि भीष्मम इव शिखंडी शत्रुम, भीष्मम इव माने की तरह, भीष्मम माने भीष्म की तरह, जो शिखंडी का शत्रु है। अब थोड़ा समझना पड़ेगा क्या मामला है। तो देखिए, जो महाभारत था, महाभारत की कथा है, क्या कथा है, चलिए तो देखिए, महाभारत की जो कथा है उसमें काशी राज था, एक काशी का राजा था और उसकी पुत्री थी अंबालिका। ठीक है, उसकी पुत्री कौन थी? अंबालिका। अंबालिका ने भीष्म पितामह को अपने पति के रूप में चुना था। ठीक है, अंबालिका ने भीष्म पितामह को अपने पति के रूप में चुना था। किसने? अंबालिका ने किसको? भीष्म को। क्या माना था? अपना पति माना था। लेकिन भीष्म ने उसको नहीं स्वीकार किया, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने आजीवन माने विवाह न करने का व्रत किया था, अविवाहित रहने का व्रत किया था, तो इसीलिए इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, उसका माने उसको मना कर दिया। तो वो क्या हो गई, वो जो है अपने मतलब प्राणों को उसने नाश कर दिया और उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, आत्महत्या करके वो क्या हो गई, द्रुपद के राजा की वो पुत्री बनी। बात समझ में है कि नहीं? द्रुपद के राजा की वो क्या बनी? पुत्री बनी, पुत्री नहीं, पुत्र अथवा पुत्री बनी। क्या बनी, समझिएगा, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। द्रुपद के राजा की क्या बनी? वो पुत्री बनी। और उसके बाद क्या हुआ, किसी गंधर्व ने उसको माने किसी गंधर्व के पुरुषत्व को उसने क्या कर लिया, पुत्री ने प्राप्त कर लिया। तो अब वो पुत्री क्या हो गई, वो जो है माने पुरुष हो गई। अब वो पुत्री पुत्री भी ना रही और वो क्या हो गई, पुरुष हो गई। तो इसीलिए वो क्या बन गई, वो शिखंडी बन गई। समझ में आया कि नहीं? तो अब ये जो शिखंडी था इसको भीष्म क्या समझते थे, इसको भीष्म जो है स्त्री समझते थे। तो इसीलिए उन्होंने, अर्जुन ने जब भीष्म को मारा था तो शिखंडी को आगे करके और भीष्म का वध किया था, क्योंकि ये शिखंडी क्या थी, ये काशी के राजा अंबालिका की माने माने काशी के राजा की पुत्री अंबालिका थी, जिसको भीष्म ने अपने से विवाह करने से मना कर दिया था। तो उसी का बदला लेने के लिए ये जो है शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो भीष्म है वो भीष्म की तरह, भीष्म क्या थे, शिखंडी के शत्रु थे। भीष्म क्या थे, शिखंडी के शत्रु थे। ठीक है, जो द्रुपद की पुत्री थी, जो बाद में क्या बन गया, द्रुपद का पुत्र बन गया, जिसका नाम क्या था, शिखंडी। तो द्रुपद के पुत्र के शत्रु कौन थे, भीष्म। भीष्म क्या थे, शिखंडी के शत्रु थे, यानी द्रुपद के पुत्र के क्या थे, वो शत्रु थे। शत्रु मतलब पुराने पुराने दुश्मन थे, पूर्व जन्म के दुश्मन थे।
क्योंकि वो जो द्रुपद के राजा के जो पुत्री जो कि बाद में पुत्र बन गया, माने पुंस तो जिसके अंदर आ गया, गंधर्व का पुंस तो आ गया जो बाद में शिखंडी बन गया, लेकिन पहले क्या था, पहले तो पुत्री था यानी स्त्री ही था, और उसके भी पहले वो अंबालिका ही थी। तो इसीलिए वो अंबालिका क्या है, भीष्म की पुराना दुश्मन है। शिखंडी शत्रु माने द्रुपद के पुत्र शिखंडी के शत्रु, जैसे भीष्म थे ना शत्रु माने पुराने दुश्मन थे, तो उसी प्रकार से यह जो सबर सेनापति है वह भी शिखंडी यानी कि मोरों का, शिखंडी का अर्थ अब बदल गया, अब हो गया मोर मयूर, ऐसे ही ये क्या है, मोरों का शत्रु है, शत्रु यानी कि मारने वाला है, मोरों को मारने मारने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या है, मोरों को मारने वाला है, शिखंडी माने मोरों का शत्रु यानी कि मारने वाला है, निहन कर हनन करने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं, तो ये किसका विशेषण है, ये सबर सेनापति मातंग का विशेषण है। समझ में आ गया कि नहीं, ये मातंग है, और ये जो है वो किसकी तरह मातंग है, तो भीष्म इव भीष्म की तरह मातंग है। भीष्म भी शिखंडी के शत्रु हैं, पुराने दुश्मन हैं, क्योंकि शिखंडी ही पहले क्या थी, अंबालिका थी। ठीक है, और ये भी जो है शिखंडी यानी कि मोरों का शत्रु यानी मारने वाला है, कौन, मातंग नाम का सबर सेनापति। समझ में इतना आ गया कि नहीं। अब कह रहे हैं कि निदाघ दिवस में वो सतताभिर्भूत मृग तृष्णम, इसका अर्थ क्या है कि निदाघ के दिन की तरह, निदाघ का दिन कौन सा होता है, निदाघ कहते हैं ग्रीष्म काल को। निदाघ मतलब क्या होता है, ग्रीष्म काल, गर्मी का जो टाइम रहता है उसको निदाघ कहा जाता है, ग्रीष्म काल। तो ग्रीष्म काल के जो दिवस होते हैं, दिवस यानी दिन होते हैं, उन दिनों की तरह, ग्रीष्म काल के दिन की तरह कौन है, ग्रीष्म काल के दिन की तरह ये है कौन, मातंग। कैसे है भाई मातंग, तो ये बताएंगे। तो पहले ग्रीष्म काल के दिन को देख लेते हैं। सतत, सतत मतलब होता है लगातार। आविर्भूत, आविर्भूत का मतलब होता है उत्पन्न हो रही है, आविर्भूत माने उत्पन्न हो रही है। ठीक है, लगात सतत माने लगातार, आविर्भूत माने उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है उत्पन्न, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है, मरीचिका होती है, मृग तृष्णा मतलब मरीचिका। ये मरीचिका क्या है, देखो सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणों को जल समझ लेना, जल समझना, इसी को क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम रास्ते पर चलते हैं ना, तब भी अगर धूप हो तो रास्ते पर देखोगे तो ऐसा लगेगा उस पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही मतलब रेत इत्यादि हो तो रेत में भी क्या लगता है, जल का भ्रम होता है वहां पर। बात समझ में है कि नहीं, तो मरीचिका मतलब सूर्य की जो मरीची यानी किरणें हैं, उन किरणों के कारण अथवा उन किरणों में ही क्या होने लगना, सूर्य की किरणों को ही जल समझने लगना, सूर्य की किरणों के कारण वहां पर पानी समझने लगना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तो सततम माने लगातार, आविर्भूत माने उत्पन्न हो रहे, मृग तृष्णा मतलब मरीचिका यानी सूर्य की किरणों को जल समझना, ये लगातार उत्पन्न हो रहा है। कब, निदाघ दिवसम, ग्रीष्म काल के दिनों में। ग्रीष्म काल के दिनों में बताओ मृग मरीचिका होती है कि नहीं होती है, मृग तृष्णा होती है कि नहीं, मरीचिका माने सूर्य की किरणों को जल समझना होता है, और वो भी सतत माने लगातार, आविर्भूत माने उत्पन्न होता है। लेकिन अब यही हम घटाएंगे सबर सेनापति में, जो मातंग है वो भी ऐसा ही है। क्यों, उसको भी सतत माने लगातार, आविर्भूत माने उत्पन्न हो रही है, मृग माने हिरण को, हिरण की
तृष्णा मतलब होता है इच्छा, हिरण की इच्छा मतलब हिरण को मारने की इच्छा, इच्छा लगातार सतत माने लगातार आविर्भूत माने उत्पन्न हो रही है, मृग तृष्णा माने हिरण की इच्छा माने मृग मतलब होता है हिरण की, तृष्णा मतलब होता है इच्छा अभिलाषा, तो मृग माने हिरण की तृष्णा मतलब इच्छा उत्पन्न हो रही है जिसको जिसको, ऐसा कौन हो गया, मातंग नाम का हमारा सबर सेनापति हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, कि निदाघ दिवसम इव, निदाघ माने ग्रीष्म काल का, दिवस माने दिन, उस दिन की तरह, इव माने की तरह है मातंग नाम का सेनापति। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म काल के दिनों में भी सततम माने लगातार आविर्भूत माने उत्पन्न होती है मृग तृष्णा मतलब मृग मरीचिका यानी सूर्य की किरणों में जल का जो भ्रम हो जाता है, सूर्य की किरणों के कारण ही होता है, चाहे रास्ते में हो चाहे रेत इत्यादि में हो, ठीक है, सूर्य की किरणों को ही जल समझने लगते हैं तो उसको मृग तृष्णा कहते हैं, वो उत्पन्न होती है निदाघ दिवस में ग्रीष्म काल के दिनों में। और तद इब उसी की तरह कौन है, मातंग सेनापति है। क्यों? उसको भी मृग तृष्णा हो रही है, लेकिन उसको मृग तृष्णा मतलब मृग माने हिरणों की तृष्णा माने इच्छा हो रही है मारने की, इच्छा मार करके उनको इकट्ठा करने की इच्छा हो रही है उसको। समझ में आया कि नहीं, सतत माने लगातार आविर्भूत माने हो रही है, उत्पन्न हो रही है, इतना समझ आ गया कि नहीं। अब कहते हैं विद्याधरमिव मानस बेगम, क्या मतलब है इसका? तो भैया विद्याधर जो है एक विशेष प्रकार की देव योनि होती है, उन लोगों को क्या कहते हैं, उन लोगों को विद्याधर कहते हैं। क्या होती है? देवताओं की एक विशेष प्रकार की मतलब जाति होती है, देवताओं में विशेष प्रकार का भेद होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो विद्याधर की तरह ये कौन है, मातंग है, इव माने की तरह, विद्याधर की तरह है। अब कहते हैं कि जो विद्याधर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो बता रहे हैं कि मान सौ बेगम, क्या मान सौ बेगम, इसका अर्थ क्या है, मान के कारण, मान माने या तो मन के तुल्य, मान मतलब मन के तुल्य, सौ मतलब सहित, वेग माने वेग, ठीक है, मन के तुल्य सौ वेग माने सहित वेग, ठीक है, अच्छा। और दूसरा मानस का मतलब है मान, मान का मतलब है अभिमान, मान माने अभिमान, अभिमान से जो सहित वेग, अब इसको समझना होगा, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, देखो मान यानी मन के तुल्य, मान माने मन के तुल्य, सौ वेग यानी वेग सहित हैं जो, मान माने मन के तुल्य, सौ वेग मतलब वेग सहित हैं जो, इसको इधर से पढ़ेंगे, वेग वेग सहित हैं जो, मन के तुल्य जो वेग वाले हैं, यानी मन जिस प्रकार से तीव्र गति से चलता है उसी प्रकार से तीव्र गति से विद्याधर लोग चलते हैं, इतना समझ में आ गया कि नहीं। अथवा जो है यहां पर कई प्रकार का जो है ना यहां पर अर्थ निकलेगा, ठीक है, कई, क्योंकि विद्याधर जो है ना वो मन के तुल्य वेग वाले होते हैं, अथवा मान यानी अभिमान के कारण सौ वेग यानी कि वेग वाले होते हैं, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अथवा यहां पर और भी अर्थ निकल सकता है, लेकिन ये अर्थ विद्याधर के लिए ही घटेगा, ये जो अभी अर्थ बताया ना ये अर्थ इधर भी पूरा घटेगा। यहां पर देखिए, चलिए मैं आपको समझाता हूं, यहां पर देखिए मान का मानस अर्थ करेंगे, देखिए देखिए, ये मानस हमने ले लिया और ये वेग ले लिया, ठीक है, तो मानस का मतलब होता है मान सरोवर, मान सरोवर है, उस मान सरोवर के लिए माने मान सरोवर एक सरोवर है, ठीक है, उसमें नहाने के लिए, उसमें नहाने के लिए वेग, वेग माने गमन है जिनका, ऐसे कौन है, ऐसे हैं विद्याधर, ठीक है, जो विद्याधर देवयोनि है वो कैसे हैं,
उनका जो मानस, मानस का मतलब मान सरोवर में स्नान करने के लिए वेग यानी गमन है जिनका, क्योंकि वो मान सरोवर में स्नान करने के लिए बहुत जल्दी से पहुंचते हैं, ठीक है, वेग करते, वेग मतलब चलते हैं, जाते हैं मान सरोवर में स्नान करने के लिए। मानस यानी मान सरोवर में, वेग मतलब वेग वाले हैं, जो मान सरोवर में स्नान करने के लिए वेग यानी कि वेग युक्त तीव्र गमन वाले हैं, जो तीव्र गमन है जिनका, ऐसे कौन है? विद्याधर। ठीक है, ये तो विद्याधर में ही घटेगा। अच्छा, और दूसरा अर्थ जो है विद्याधर में भी घटेगा और मातंग में भी घटेगा, क्योंकि मातंग नाम का सबर सेनापति जो है वो मानस वेग है। मानस वेग का मतलब मन के तुल्य वेग सहित है, बता ही चुका हूँ, मान यानी मन के तुल्य स्ववेग यानी वेग सहित है, अथवा मान यानी अभिमान के कारण स्ववेग यानी वेग सहित है मातंग। और विद्याधर भी इस प्रकार के हो सकते हैं, उनमें भी ये घट सकता है कि मन के तुल्य वेग वाले हैं अथवा अभिमान के कारण अधिक वेग वाले हैं। तो ये जो है, लेकिन एक अर्थ जो है मानस माने मान सरोवर के लिए नहाने के लिए वेग माने गमन है जिनका, तो ये तो विद्याधर में ही घटेगा, क्योंकि वही नहाने जाते हैं, मातंग थोड़े मान सरोवर में नहाने जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन अर्थ निकलेंगे, जिसमें एक अर्थ विद्याधर के लिए ही और दो अर्थ जो है दोनों के लिए घट जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो मान यानी मन के तुल्य, सौ वेग यानी वेग सहित, वेग बाला है, वेग सहित माने वेगवान, वेग बाला मतलब तीव्र गति बाला है। और दूसरा मान माने अभिमान के कारण, सौ वेग यानी वेग सहित है माने वेग वाला है, तीव्र गति वाला है। और मानस वेग का मतलब क्या है? मान सरोवर के लिए जो है गमन है जिसका, तो मानस अलग कर देंगे, माने मान सरोवर के लिए वेग माने गमन है जिसका, नहाने के लिए जो जाते हैं, तो ये जो है विद्याधर में ही घटेगा। और मन के तुल्य वेग, मन के तुल्य जो है वेग सहित वेग वाले अथवा अभिमान से वेग सहित वेग वाले, वो विद्याधर और ये सबर सेनापति दोनों हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से सबर सेनापति और विद्याधर दोनों में ये विशेषण घट जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आप कह रहे हैं कि पाराशर्मिव योजन गंधानुसारिणम, इसको समझ लेते हैं। देखो, जो पाराशर थे, पाराशर नाम के क्या थे? एक मुनि थे, और जो कि जो भगवान व्यास हुए हैं, जो अष्टादश पुराणा नाम करता, 18 पुराणों के जो करने वाले हैं, कौन? व्यास जी। उन व्यास जी के पिताजी का नाम क्या है? पराशर, ठीक है, पराशर है, पाराशर लिखा है, पराशर कर देते हैं, पाराशर पाठ है तो भी कोई समस्या नहीं है, जो पराशर है वही पराशर हैं। चलो, तो कहीं कहीं पराशर पाठ है, कहीं कहीं पराशर पाठ है, दोनों सही हैं, कोई किसी में दिक्कत नहीं है। तो पराशरम इव योजन गंधानुसारिणम, पराशर की तरह। अब देखो, पराशर कैसे हैं भाई? तो क्या था ना कि माने पराशर जो है, जब मतलब पूरी तरह से योगी बन चुके थे, तो उसके बाद में उनको एक मन में विचार आया कि अब जो है पुत्र को उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा उनके मन में विचार आया। और जहां उनके मन में विचार आया, तुरंत ही उन्होंने एक अत्यंत सुंदरी कन्या को देख लिया, लेकिन वो कन्या जो है मछुआरे की कन्या थी। उस कन्या का नाम क्या था? सत्यवती था। बात समझ में आई कि नहीं? तो उन्होंने क्या कर लिया, उसको देख करके और उनके मन में काम वासना बढ़ गई, और उसके बाद जो है माने कामदेव ने अपना प्रभाव कर जमा दिया, तो उन्होंने फिर जो है उसके साथ समागम करके, और उन्होंने फिर उसी से जो है वेद व्यास उत्पन्न हुए। तो इसलिए सत्यवती के पुत्र कौन है? वेद व्यास, पराशर मुनि से उत्पन्न। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अब ये जो पराशर मुनि ने क्या किया था, उस कन्या का अनुसरण किया था। बात समझ में आई कि नहीं? कन्या का अनुसरण किया था, कन्या का अनुगमन किया था, कन्या के साथ में समागम किया था, ठीक है। तो भाई बता रहे हैं कि पराशर मुनि, पराशर नाम के क्या थे? एक मुनि थे। उन मुनि की तरह, इब माने की तरह, पराशर नाम के मुनि की तरह योजन गंधा, योजन गंधा उसका नाम था सत्यवती का। क्यों? क्योंकि योजन भर तक जो है उसकी गंध जाती थी। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए योजन भर तक जिसकी सुगंध जाती थी, तो इसीलिए उसका नाम क्या था? योजन गंधा था, सत्यवती का। तो योजन गंधा यानी कि जो सत्यवती थी, जो मछुआरे की पुत्री थी,
उसका अनुसारिणम मतलब अनुसरण करने वाले, उसका पीछा करने वाले, अनुसरण करने वाले कौन थे? पराशर मुनि। पराशर मुनि कैसे थे? योजन गंधा माने योजन तक गंध जाती थी जिसकी, ऐसी जो मछुआरे की पुत्री सत्यवती उसका अनुसरण करने वाले थे। समझ में आ गया कि नहीं? माने उसके पीछे चले और उसके साथ जो है समागम किए और व्यास उत्पन्न किए। तो व्यास को, तो ये जो है यहाँ पर पराशर की तरह कौन है? मातंग नाम का सबर सेनापति भी है। पराशर की तरह कौन है? मातंग नाम का सबर सेनापति भी है। क्यों भैया? कहते हैं योजन गंधा अनुसारिणम, क्योंकि ये भी एक एक योजन पर भी अगर इसको किसी कस्तूरी मृग की गंध मिल जाए, मृग होता है ना कस्तूरी मृग, उसकी गंध उससे निकलती है, कस्तूरी की गंध निकलती है उससे, तो अब वो जो गंध है उसको अगर योजन भर दूर भी मिल जाए तो भी जाता है पीछा करता है और कस्तूरी मृग को मार देता है। समझ में आया कि नहीं भाई? बता रहे हैं, योजन भर गंध माने सुगंध, किसकी? कस्तूरी की सुगंध मिल जाए तो ऐसे सुगंध वाले जो कस्तूरी मृग का अनुसरण का मतलब होता है पीछा करने वाला, अनुसरण करने वाला मतलब होता है पीछा करने वाला। तो अगर योजन दूर भी गंध मिले, योजन भर दूर भी अगर गंध सुगंध मिले तो ऐसे सुगंध वाले कस्तूरी मृग का अनुसारी माने पीछा करने वाला कौन है? मातंग नाम का सबर सेनापति पीछा करता है और जाता है उसको जो है और मार देता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, योजन भर गंध माने सुगंध वाले कस्तूरी मृग का अनुसरण करने वाला, पीछा करने वाला कौन है? मातंग नाम का सेनापति। समझ में आ गया कि नहीं? सत्यवती कौन थी? व्यास की माता थी सत्यवती। और पराशर कौन थे? व्यास के पिता थे। समझ में इतना आ गया कि नहीं? चलो, अब कह रहे हैं घटोत्कचमेव भीम रूप धारिणम। घटोत्कच की तरह भीम रूपधारी था। अब इसको कैसे समझेंगे भाई? तो देखो, एक कथा थी क्या कि जो, अथवा कथा की जगह आप ये समझ लो कि घटोत्कच पुत्र किसका था। घटोत्कच भीम का पुत्र था। भीम की पत्नी राक्षसी थी हिडिंबा। उस हिडिंबा में कौन उत्पन्न हुआ था? घटोत्कच उत्पन्न हुआ था। समझ में आया कि नहीं? भीम की पत्नी क्या थी? भीम नाम का क्या था? एक पांडव था, पता है आपको। भीम की पत्नी थी हिडिंबा। उनसे कौन उत्पन्न हुआ? घटोत्कच। अब बताओ, माता कौन है घटोत्कच की? हिडिंबा। और पिता कौन है? भीम। अब एक बात बताओ कि घटोत्कच जो है पिता का रूप नहीं धारण करेगा तो किसका करेगा, ये बताओ भाई। माता पिता का ही ना रूप बालक लेता है, अपत्य संतान जो बच्चा होता है किसका रूप धारण करता है? तो भीम या हिडिंबा, माता या पिता। तो माता या पिता दो में किसी एक का ही ना रूप धारण करेगा, किसी का करेगा, दोनों का मिला करके करेगा। तो इसीलिए, और अथवा कहते भी हैं आत्मा वै जायते पुत्र, जो पुत्र होता है वो आत्मस्वरूप उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अपना ही स्वरूप होता है, पिता का ही स्वरूप माना जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए क्या होगा यहां पर, भीम यानी भीमसेन, भीमसेन के रूप, रूप को मतलब आकृति को, तो भीमसेन की जो आकृति है उस आकृति को धारण करने वाला। ठीक है, भीम सेन के रूप यानी आकृति को धारिणम माने धारण करने वाला। समझ में आया कि नहीं? भीम सेन की आकृति को, जो भीम सेन की आकृति को, भीम सेन जिस प्रकार से रूप स्वरूप उनका, जिस प्रकार से आकार था, शरीर का संरचना थी, उसी प्रकार की संरचना को कौन धारण कर रहा है? घटोत्कच धारण कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? भीम का मतलब यहाँ भीम माने भयंकर नहीं लेना, भीम माने भीमसेन। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि नाम का एक देश भी नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। पूरे देवदत्त के लिए दत्त का अथवा केवल देव का प्रयोग करते हैं। देवदत्त
ये कहने के लिए दत्ता देवहा इतना भी प्रयोग करते हैं, पूरा नाम दुर्गा प्रसाद नहीं बोलता कोई, दुर्गा इधर आओ हो गया। तो क्या है, नाम के एक देश का ग्रहण पूरे नाम के लिए भी किया जाता है, नियम है, नामैक देशे नामक ग्रहणम, नाम का एक अवयव का ग्रहण करेंगे तो पूरे नाम का ग्रहण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भीम से भीमसेन लेना है, तो उनकी आकृति, उनके स्वरूप, उनके शरीर को, उनके अवयव संरचना को धारण करने वाला है कौन, उनका पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच कौन था, हिडिंबा में जो भीमसेन से उत्पन्न हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं, एक असुर था जिसको इंद्र के द्वारा प्रदत्त शक्ति के द्वारा कर्ण ने मार दिया था, असुर था उसको जो है मार दिया था कर्ण ने युद्ध में, ठीक है। तो घटोत्कचम इव, इव मतलब है की तरह, उसकी तरह, उसकी तरह कौन है, मातंग नाम का सभ्र सेनापति है। कैसे है भैया, तो भीम, भीम का मतलब भयंकर, रूप, रूप धारण करने वाला है, माने भयंकर रूपधारी है, भयंकर रूपधारी मतलब धारण करने वाला, भयंकर रूप धारण करने वाला है कौन, सबर सेनापति कौन है, मातंग। मातंग जो है वो भीम माने भयंकर रूप को धारण करने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं, चलो, भयंकर रूप धारण करने वाला, उसका रूप बहुत ज्यादा भयंकर है। अब खून वून लगाए रहेगा शरीर में तो क्या होगा, हाथी का मधजल लगाए रहेगा तो क्या होगा, भयंकर रूप नहीं होगा क्या। समझ में इतना आ गया कि नहीं, चलो। अब कह रहे हैं कि अचल राज कन्या केश पाशमिव नीलकंठ चंद्रकाभरणम, ये कौन हुआ, अब देख लेते हैं एक बार। अचल राज, अचल राज यानी कि अचल कहते हैं पर्वत को, पर्वत राज कौन हुआ, पर्वत राज हुआ हिमालय। हिमालय की जो कन्या यानी पुत्री वो कौन हुई, पार्वती। हिमालय की कन्या माने कन्या, हिमालय की कन्या कौन हुई, हिमालय की कन्या कौन हुई, पार्वती, ठीक है। उन पार्वती के केश पास, केश मतलब बालों का, पास माने समूह, इब माने उसकी तरह, उसकी तरह कौन है, मातंग है, ठीक है। जो अचल राज पर्वत राज जो हिमालय, उनकी जो कन्या यानी पार्वती, उन पार्वती का जो केश पास है, बालों का जो समूह है, उसकी तरह कौन है, उसकी तरह मातंग है। तो कैसे है देख लेते हैं एक बार, दोनों विशेषण जो है ना, ये नीलकंठ चंद्र का वर्णन मातंग में भी घटेगा और पार्वती जी के बालों के समूह में भी घट जाएगा। कैसे घटेगा, तो एक बार जैसे पार्वती जी के बालों के समूह में घटा लेते हैं, तो नीलकंठ, नीलकंठ कौन है, तो नीलकंठ जो है भगवान शंकर जी हैं, क्योंकि उनका जो कंठ है वो नीला है, तो इसीलिए विषपान करने के कारण नीला है कंठ जिनका, कृष्ण वर्ण का है कंठ जिनका, नीलकंठ कौन है, भगवान शंकर हैं, ठीक है। तो उन शंकर का जो चंद्रक माने चंद्रमा है, शंकर जी का जो चंद्रमा है वो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा ही है आभरण, आभरण माने आभूषण, आभूषण, आभूषण मतलब शोभा वर्धक, आभूषण मतलब जिनका। समझ में आया कि नहीं, नीलकंठ यानी शंकर जी का चंद्रमा, चंद्रक, चंद्रक यानी चंद्रमा ही है, आभरण यानी आभूषण माने शोभा वर्धक जिनका, ऐसे कौन है, ऐसे हैं पार्वती जी के बालों का समूह।
पार्वती जी के बालों का जो समूह है, पार्वती जी के जो बाल हैं, उन बालों में क्या है? बालों में, बालों की शोभा कौन बढ़ा रहा है? कोई रत्न, कोई अलंकार नहीं है, अपितु बालों की शोभा अलंकार के रूप में चंद्रमा ही बढ़ा रहा है। नीलकंठ यानी शंकर जी का जो चंद्रक माने चंद्रमा है, वो चंद्रमा ही आभरण माने आभूषण है, माने शोभा वर्धक है, चंद्रमा ही शोभा बढ़ा रहा है। बात समझ में है कि नहीं? अचल राज यानी पार्व अचल अचल मतलब पर्वत राज माने राजा, माने पर्वतों का राजा हिमालय, उनकी जो कन्या कौन है? पार्वती। उन पार्वती जी के केश पास माने जो बालों का पास समूह है, बंधन है, उसको उसकी उसकी शोभा को कौन बढ़ा रहा है? तो नीलकंठ का, शंकर का जो चंद्र है, चंद्रमा है, चंद्रक है, वही आभरण माने शोभा बढ़ा रहा है, शोभा वर्धक है, आभूषण है। समझ में आया कि नहीं? आभरण है जिनका, ऐसे हैं पार्वती जी के बाल। और ऐसे पार्वती जी के बालों की तरह ही कौन है? मातंग भी है। क्यों मातंग ऐसे है भाई? क्योंकि मातंग नीलकंठ माने मोर के, मोर को भी नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि उसका भी कंठ नीला होता है। तो जो मोर मोर है, उस नीलकंठ का मतलब क्या हुआ? मोर। और मोर का जो चंद्रक यानी जो उसके जो पंख हैं, वो पंख ही हैं आभरण माने आभूषण माने शोभा वर्धक जिनके, जिसके, ऐसा कौन हुआ? मातंग। समझ में आया कि नहीं? कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसा नीलकंठ कौन हुआ? मोर। उस मोर का जो चंद्रक या माने चंद्रक माने पंख, वो पंख ही है आभरण माने आभूषण माने शोभा वर्धक जिसका, मातंग का। मातंग की शोभा कौन बढ़ाता है? मातंग जो सबर सेनापति है, उसकी शोभा कौन बढ़ाता है? तो वो मयूर के जो पंख हैं वही लगाए हुए हैं। तो नीलकंठ यानी मोर, जो नीलाकंठ वाला मोर, उसके चंद्रक माने पंख ही हैं आभरण माने आभूषण, वही चंद्रक माने पंख ही आभरण है, शोभा बढ़ा रहे हैं, आभूषण है जिसके, ऐसा हुआ मातंग। और नीलकंठ माने शंकर जी का चंद्रक माने चंद्रमा ही है आभूषण, शोभा बढ़ाने वाला जिनका, ऐसे हुए पार्वती जी के बाल। अचल राज की कन्या के केश पास, अचल राज माने पर्वत राज, हिमालय की कन्या माने पार्वती जी के केश पास माने बालों का समूह, बाल वो जो है उनकी शोभा चंद्रमा बढ़ा रहा है, और मयूर के पंख शोभा बढ़ा रहे हैं मातंग की। समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब कह रहे हैं एक बात बताओ, चंद्रमा तो शंकर जी के सिर पर है, तो पार्वती जी के बालों की शोभा कैसे बढ़ा सकता है? तो भगवान शंकर का जो अर्धनारीश्वर रूप है, अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शंकर जी जो हैं आधे पुरुष हैं और आधे पार्वती रूप हैं, नारी रूप हैं, तो वहां पर जो है ना, वहां पर पार्वती जी के बाल रहेंगे, उनकी शोभा शंकर जी का चंद्रमा बढ़ाएगा, क्योंकि वहां चंद्रमा भी रहेगा और पार्वती जी के बाल भी रहेंगे। तो अर्धनारीश्वर रूप की यहाँ पर जो है उसकी बात की जा रही है। समझ में आ गया कि नहीं? और वो जो है अर्धनारीश्वर जो रूप है, उसका जो केश पास है, उसकी तरह कौन है? मातंग नाम का सेनापति बताया गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष दानवम इव महावराह दंष्ट्रा विभिन्न वक्षस्थलम। चलिए अब कह रहे हैं, देखिए, तो हिरण्याक्ष दानवम इव, जैसे हिरण्याक्ष नाम का क्या था? एक दानव था, राक्षस था। हिरण्याक्ष नाम का क्या था? एक दानव था, दैत्य था, जो कि हिरण्यकशिपु का भाई था। हिरण्याक्ष नाम का जो दानव दैत्य था, वो हिरण्यकशिपु का क्या था? भाई था। और इब माने उसकी तरह, उसकी तरह ही कौन है? मातंग नाम का सेनापति है। ठीक है, कैसे है भाई, देख लेते हैं। तो जो हिरण्याक्ष नाम का दानव था, उसको भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। उन 10 अवतार में भगवान विष्णु का जो तृतीय अवतार है,
तीसरा जो अवतार है वो किसका अवतार है? महावराह का अवतार है, यानी सूकर का अवतार है। भगवान शंकर ने सूकर का अवतार लिया था, सूअर का अवतार लिया था। तीसरा अवतार कौन सा है? भगवान विष्णु का सूकर का अवतार है महावराह। महान मतलब बहुत भारी, भयंकर, विशाल, जो वराह था यानी सूकर था, उसका अवतार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार लिया था। समझ में आया कि नहीं? तो उस तीसरे अवतार में भगवान ने क्या किया था, क्योंकि हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को रसातल में नीचे ले गया था, और उन्होंने क्या किया था, अपनी दंष्ट्रा से, दंष्ट्रा मतलब अपने दांतों से, सूकर ने, भगवान ने जो है महावराह का जो अवतार लिया, तो उस वराह ने माने सूकर ने दंष्ट्रा मतलब दांतों से, विभिन्न का मतलब है फाड़ दिया था, विभिन्न माने फाड़ दिया था, वक्षस्थल मतलब छाती, छाती का वक्षा माने छाती का, स्थल माने हिस्सा, जिसका, ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ हिरण्याक्ष दानव, हिरण्याक्ष जो दैत्य है, ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ हिरण्याक्ष दैत्य, हिरण्याक्ष नाम का दानव जो हिरण्यकशिपु का भाई था, पृथ्वी को नीचे ले गया था, और फिर वो अपनी दाढ़ में उठा करके पृथ्वी को ले आए थे। तो महावराह मतलब जो महान वराह मने सूकर जो था, भगवान विष्णु का तृतीय अवतार था, उसने अपनी दंष्ट्रा मने दांतों से विभिन्न फाड़ दिया था वक्षस्थल छाती के स्थल मने हिस्से को, वक्षा मने छाती के स्थल मने हिस्से को, जिसके, और छाती फाड़ करके उसको मार डाला था, जिसको, ऐसा था हिरण्याक्ष नाम का दैत्य। हिरण्याक्ष दैत्य के छाती को भगवान ने फाड़ दिया था। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का जो महान दैत्य था वो सारे लोगों को प्रताड़ित कर रहा था। बात समझ में आई कि नहीं? और उसने बहुत भयंकर तपस्या की थी। बात समझ में आई कि नहीं? और इसीलिए उसने क्या किया, पूरी पृथ्वी को उठा करके नीचे ले गया, जो है पानी में सारा, पूरी पृथ्वी को नीचे डुबो दिया। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सूकर का रूप धारण करके और पृथ्वी को नीचे से निकाल करके लाए, और उसको जो है माने हिरण्याक्ष नाम के इस दैत्य को, दानव को, अपने अपने दांतों से इसके सीने को फाड़ करके और इसको मार डाला था। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, तो ये जो है यहाँ पर कहानी है। और मातंग भी भैया इसी प्रकार का है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो एक मात्र मतलब माने एक सूकर का रूप धारण करके और उसको मारा था, ठीक है, और यहाँ तो ये बहुत से वराहों के साथ में जो है लड़ता रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? महा मतलब विशाल, जो वराह मतलब सूकर हैं, विशाल विशाल जो बहुत से सूकर हैं, उन सूकरों के दंष्ट्रा मतलब दांतों से विभिन्न माने फट गया है, विभिन्न माने फट गया है, वक्षस्थल मतलब छाती का स्थल माने हिस्सा, जिसका, ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ मातंग। क्योंकि ये मातंग सेनापति जो है ना, ये सबर सेनापति, ये भी महावराह माने विशाल जो वराह माने सूकर हैं, उनके दंष्ट्रा माने दांतों से फट गया है, विभिन्न हो गया है, इसका भी वक्षस्थल छाती का हिस्सा, क्योंकि ये भी लगातार क्या करता रहता है, सूरों के साथ लड़ाई करता रहता है और उनको मारता रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए ये भी जो है, इसकी भी छाती का हिस्सा फट गया है। तो महावराह, महान जो वराह माने सूरों के साथ लड़ता रहता है, तो उनके दांतों से जो है विभिन्न माने फट गया है वक्षस्थल छाती का हिस्सा, जिसका, ऐसा कौन है? मातंग। और हिरण्याक्ष दानव को भी जो है भगवान ने महावराह के अवतार में आकर के अपने दांतों से विभिन्न माने फाड़ दिया था वक्षस्थल छाती का हिस्सा, तो ऐसा था हिरण्याक्ष दैत्य। तो इसीलिए हिरण्याक्ष दैत्य की तरह कौन हो जाता है? मातंग हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं इतना? आप कह रहे हैं कि अतिरागिणम इव कृत बहुबंदी परिग्रहम, अत्यंत जो रागी होते हैं ना,
अत्यंत जो क्या होते हैं, कामुक लोग होते हैं। अति माने अत्यंत, रागी मतलब जो कामुक लोग होते हैं, मतलब विषयाधीन होते हैं, अपनी कामनाओं के अधीन। कामुक मतलब अपनी कामनाओं के, विषय वासनाओं की इच्छा के, रूप रस सुंदर रूप, सुंदर रस सुंदर गंध इत्यादि विषयों के जो अधीन होते हैं, ऐसे लोग जैसे जिस प्रकार के होते हैं, तो उसी प्रकार से, बात समझ में आए कि नहीं, अति रागिणम इव, अत्यंत जो विषय के अधीन जो लोग होते हैं, तो उनकी तरह, इव माने उनकी, उनकी तरह। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, तो अत्यंत जो राग वाले लोग होते हैं, इतना समझ आ गया। चलो अब कहते हैं अत्यंत कामुक लोग जो होते हैं, तो उनकी तरह कौन है? मातंग है। अति रागी, रागी मतलब जो विषयों के अधीन होते हैं और धनवान होते हैं, तो ऐसे लोगों की तरह मातंग है। कैसे है? तो कृत बहुबंदी परिग्रहम, जो अत्यंत कामुक लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, बहुत से कृत माने कर लेते हैं, कृत माने क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब देखो यहां पर भी दो दो अर्थ हैं और वो दोनों में घटेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो दोनों में एक अर्थ एक में घटेगा, चलिए इसको जो है ना, ठीक है, कृत माने कर लेते हैं, बहु माने बहुत से, बंदी, बंदी मतलब होता है जो हरण की गई स्त्रियां, कृत माने कर लिया, बहु माने बहुत से, बंदी मतलब है हरण की गई, तो कृत माने कर लिया, क्या कर लिया, बहुत सी जो बंदी हैं, हरण की गई स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को परिग्रह कर लिया। परिग्रह मतलब होता है विवाह। बात समझ में है कि नहीं? जो अत्यंत अति रागी जो होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, कृत माने कर लेते हैं, बहु माने बहुत सी, बंदी मतलब हरण की गई स्त्रियों को, परिग्रह माने विवाह। समझ में आया कि नहीं? कृत माने कर लेते हैं, बहु माने बहुत सी, बंदी मतलब हरण की गई स्त्रियों को क्या कर लेते हैं, परिग्रह कर लेते हैं, मतलब उनको विवाह के रूप में, विवाहिता पत्नी के रूप में उनको परिग्रह कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। परिग्रह मतलब तो स्वीकार होता है, लेकिन यहां पर परिग्रह का अर्थ विवाह, विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार, ऐसा अर्थ लेना है। तो कृत माने कर लेते हैं, कर लिया है, बहु माने बहुत से, बंदी मतलब हरण की गई स्त्रियों को, परिग्रह माने स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया है, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। जो अत्यंत कामुक लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से ये जो मातंग है, वो मातंग ने भी कृत माने कर लिया है, बहु माने बहुत सी, बंदी मतलब वही हरण की गई स्त्रियों का, परिग्रह मतलब पत्नी के रूप में स्वीकार, जो ऊपर अर्थ है वही यहां मातंग के लिए भी घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कृत माने कर लिया है, बहु माने बहुत सी, बंदी मतलब हरण की गई माने जो स्त्रियां, उन स्त्रियों को परिग्रह माने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया है। किसने? मातंग ने। और अति रागी माने अत्यंत कामुक की तरह, तो ये घट जाएगा। और दूसरा जो है, अति रागी का अर्थ बदल लेंगे, अति मतलब अत्यंत, और रागी का अर्थ कर देंगे धनी। जो अत्यंत धनी लोग होते हैं, अत्यंत धनी लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कृत माने कर लेते हैं, बहु माने बहुत से, बंदी मतलब होता है स्तुति पाठक। बंदी मतलब क्या होता है? स्तुति करने वाले, अथवा जो स्तुति करें, अथवा मंगल की कामना करें। तो ऐसे जो कृत माने कर लेते हैं, बहु माने बहुत से, बंदी मतलब स्तुति परिग्रह करने वाले, उन करने वालों को क्या कर लेते हैं, परिग्रह। परिग्रह मतलब होता है इकट्ठा। इकट्ठा कर लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कृत माने कर लेते हैं, कर लिया है, कृत माने कर लिया है, बहु माने बहुत से, बंदी माने स्तुति करने वालों को, जो मंगल पाठक होते हैं, स्तुति करने वाले होते हैं, उन लोगों को परिग्रह माने इकट्ठा कर लिया है। समझ में आया कि नहीं? तो जो अति रागी माने अत्यंत धनी लोग होते हैं,
बोलो क्या करते हैं? कृत माने कर लेते हैं, बहु माने बहुत से, बंदी माने स्तुति करने वालों का, परिग्रह माने उनको जो है इकट्ठा करना, एकत्र करना, कर लेते हैं, परिग्रह माने इकट्ठा कर लेते हैं, परिग्रहण कर लेते हैं ना, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, किसको? बंदी, बंदी यानी स्तुति करने वालों को, और कितने? बहु माने बहुत से, कृत माने कर लेते हैं, परिग्रह माने इकट्ठा, तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं कौन? जो अत्यंत रागी माने धनी लोग होते हैं। इसी प्रकार से मातंग भी है, क्योंकि मातंग सेनापति है, तो उसकी भी स्तुति करने वाले बहुत से लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं। उसने कृत माने कर लिए हैं, बहु माने बहुत से, बंदी माने स्तुति करने वालों को, परिग्रह माने इकट्ठा कर लिया है उसने। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो है दोनों में घट सकता है। और मातंग कैसा है तो बता रहे हैं, पिशितासनमिव रक्तलुब्धकम्। जो पिशितासन होते हैं, पिशित मतलब होता है मांस, पिशित माने क्या होता है? मांस। आसन माने खाने वाले, इव माने की तरह, पिशित माने मांस को, आसन माने खाने वाले, इव माने की तरह, कौन है ये? ये जो है मातंग है। अब जो बताओ, मांस खाने वाले जो होते जानवर, क्या अथवा जो भी शिकारी रहते हैं या जानवर रहते हैं, क्या बताओ वो रक्त चाहते हैं कि नहीं चाहते है? रक्त चाहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई? जो 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 जानवर मांस खाएगा, क्या वो खून नहीं पिएगा? खून भी पिएगा। तो पिशित माने मांस को, आसन माने खाने वाले, इब माने जिस प्रकार से होते हैं, इब माने जिस प्रकार से होते हैं उन्हीं की तरह, रक्त माने, अब मांस खाने वाले कैसे होते हैं? रक्त लुब्धक होते हैं, रक्त मतलब खून के, लुब्धक माने प्यासे होते हैं, खून के प्यासे होते हैं, खून को, खून के लालसा रखने वाले होते हैं, खून की अभिलाषा रखने वाले होते हैं। रक्त माने खून के लिए, लुब्धक माने प्यासे होते हैं, कौन? जो पिशितासन होते हैं, पिशित माने मांस को, आसन माने खाने वाले होते हैं, उन्हीं की तरह ये भी है। ये कैसे है? क्या ये खून का प्यासा है, मांस खाता है? नहीं, ये रक्त लुब्धक का अर्थ बदल जाएगा। ये जो है मातंग जो है, रक्त मतलब अनुरक्त है, लुब्धक मतलब होता है बहेलिए, शिकारी, व्याध, व्याध मतलब बहेलिया, शिकारी, जिसमें ऐसा है मातंग, मतलब अनुरक्त माने प्रेम करने वाले, जितने भी व्याध हैं, जितने भी लुब्धक हैं, लुब्धक मतलब व्याध, लुब्धक माने व्याध, बहेलिया, शिकारी, वो क्या करते हैं? वो सारे रक्त हैं, रक्त मतलब अनुरक्त हैं, माने प्रेम करने वाले हैं, जिसमें ऐसा है मातंग, सारे मातंग के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले हैं, रक्त माने अनुरक्त हैं, लुब्धक यानी व्याध, जिसमें रक्त माने अनुरक्त हैं मतलब प्रेम करने वाले हैं, लुब्धक माने व्याध, शिकारी, बहेलिए, जिसमें, जिसमें मातंग में, सेनापति में, सबर सेनापति में जितने भी बहेलिए, शिकारी, व्याध हैं, वो सब क्या करते हैं? उससे प्रेम करते हैं। तो सारे रक्त माने अनुरक्त हैं, प्रेम करने वाले हैं, जिसमें माने जिस बहेलिए में, जिस शिकारी में, माने जितने भी बहेलिए शिकारी हैं, वो लुब्धक मतलब होता है व्याध, बहेलिया, शिकारी, वो जिसमें यानी कि मातंग में प्रेम करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? रक्त मतलब अनुरक्त हैं, प्रेम करने वाले हैं, कौन? व्याध, बहेलिए, शिकारी, किसमें? मातंग में। मातंग ऐसा है जिसके प्रति ये सारे उसके प्रति माने प्रेम की दृष्टि रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसके प्रति सभी अनुरक्त हैं, कौन? सभी लुब्धक, लुब्धक मतलब शिकारी, व्याध, बहेलिया, सारे क्या है? रक्त मतलब अनुरक्त हैं, प्रेम करने वाले हैं, किसमें प्रेम करते हैं? तो मातंग नाम के सेनापति में। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार का मातंग नाम का सेनापति है। अब इसमें कुछ अंश अभी भी बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।